भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। ये छात्राएं कठोर सजा दिए जाने के खिलाफ लामबंद हुई है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनसे स्कूल में साफ सफाई करवाई जाती है, स्कूल में 5 मिनट लेट होने पर बाहर धूप में घंटों खड़ा किया जाता है। जानकारी के अनुसार स्कूल में रिटायर्ड कैप्टन वर्षा झा नामक अधिकारी को एचआर और असिस्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके मनमाने रवैये से छात्राएं परेशान हैं। अभिभावकों का भी कहना है कि आर्मी से कथित तौर पर रिटायर्ड उक्त महिला अधिकारी की नियुक्ति कैसे हुई और उनका इस तरह से स्कूल की गतिविधियों में दखल देने का क्या अधिकार है। टीचिंग स्टाफ के कुछ लोगों ने भी महिला अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं हंगामा बढ़ता देख राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक स्कूल पहुंचे और छात्राओं से बात की। छात्राओं की नाराजगी को देखते हुए महिला अधिकारी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। प्रश्न ये है, बच्चों को समय पर आए और समय पर जाएं, ये वाली बात है केवल, है ना? तो आज ये कहा गया था कि बच्चे समय पर आ जाएं, है ना? तो 50 2-4 बच्चे थे जो लेट आए, तो उनको कहा गया ठीक है अंदर जाओ। तो उनमें से एक पेरेंट वहाँ पर हंगामा करने लगे, हम प्रेस को बुलाएंगे, ये करेंगे। इसमें जो ऐसी बातें कही जा रही है कि बोले किसी को घास काटने के लिए, ये बिल्कुल निरर्थक है। ऐसी किसी की कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई है, केवल समय पर जाने के लिए था और वो भी उनको कह दिया गया 15 मिनट तक आए तो आ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।